घर बसाएंगे तो सोचते हैं यहीं शादी करेंगे या किसी गोरी से करेंगे? दो कर लेंगे। अब्बा का तो यही मशवरा है कि जो जो मैंने किया था वही तू कर। गोरी से शादी कर। अभी मैं गया हुआ था अमेरिका तो कह दिया अब्बू ने पीछे से वहीं ढूंढ ले कोई मेम। आई थिंक या मैं ट्राई कर चुका हूँ। लव सिर्फ एक लव नहीं होता, लव के स्टेजेस होते हैं और प्यार भी जो है प्यार अपनी जगह में तो मेरे लेवल में प्यार मोहब्बत या प्यार इश्क मोहब्बत या मे बी मोहब्बत पहले फिर इश्क फिर जुनून से प्योर पाकिस्तानी हो। और मैं इन सब स्टेजेस में से गुजर चुका हूँ। अच्छा। नहीं लेकिन आप तो शादी से शुरू करते हैं। जरूरी थोड़ी। कितनी मर्तबा मिकाल के साथ ये हुआ कि इन्फेचुएशन को मिकाल मोहब्बत समझ बैठे हो या इश्क? शुरू शुरू में तो यही होता है ना। आई थिंक शुरू की जो इन्फेचुएशंस थी जिनसे शायद आप वाकिफ भी हो। नहीं मैं सबसे वाकिफ हूं, आप जिक्र नहीं करना चाह रहा, मैं खुद करना चाहें तो आप। लेकिन आई थिंक जब आप स्पेशली इन योर अर्ली 20s यू नो जब नहीं अच्छा मिकाल का मैम चूंकि पुराना बहुत एक दूसरे को जानते हैं हमारे तो जब मिकाल का पहला इश्क हुआ ना जी तो मैंने उसी वक्त इसका साइको एनालिसिस किया। मैंने कहा कि गोरा है ना इसको यही लड़की पसंद आ सकती है। मैं क्या बोल रहा था, कहने लगे मैं साथ यू आर सो राइट। और मेरी मॉम ये कहती थी तुम्हारी शादी ना किसी जमीला से होगी। हाँ, और वही हुआ। जब मैं यहाँ आया तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी डिफरेंट तो आई वाज वेरी अट्रैक्टेड टू दैट यू नो जो एक देसी लड़की होती है मैं उससे बहुत अट्रैक्टेड था। अभी हूँ आई मीन हमारी माशाल्लाह मैं ठीक पहुंचा था ना देसी। वो कहते हैं देसी गर्ल देसी गर्ल देसी तो चक्कर जीते देसी अंडे खाने लग पे। लेकिन मुझे यू नो तो फिर कैसा तजुर्बा रहा देसी गर्ल्स के साथ? मतलब लग पता गया। देसी गर्ल्स की माशाल्लाह क्वालिटी ये होती है कि देसी गर्ल जब चाहे वो देसी हो जाती है और जब चाहे वलैती भी हो जाती है। आपको वैसे कौन सी वैल्यूज ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं या पसंद है? मुझे पाकिस्तान की ही करती हैं। एंड जब मैं वापस आया भी तो इट वाज अ पर्सनल चॉइस। मुझे पाकिस्तान की ट्रेडिशंस हमारा कल्चर हमारा फैमिली सेटअप हमारा आपस में रिलेशन वेरी गुड। यहाँ दोस्त दोस्त नहीं होता भाई होता है। वाह। और मगर जब आपका देसी लोगों से ताल्लुक हुआ तो फिर मैं अब बाहर भागना चाहता हूँ। वो वलायती होना चाहते हैं मसला ये। ये बताइए कि वैसे तो पूरी दुनिया हसीन है, हर शख्स की एक अपनी अट्रैक्शन है, हर शख्स का एक अपना हुस्न है, उसके चाहने वाले हैं, मगर जो दुनिया का मेयार है खासतौर पर इस सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं उसमें इतना खूबसूरत और हसीन होना कैसा लगता है? अच्छा लगता है, तारीफ करते हैं, आप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रही हैं। नहीं उन्होंने नहीं की। उधर उन्होंने ऑफ स्क्रीन कर दी थी ना। मसला हो रहा है आपने उनके बारे में नहीं कहा ना। नहीं आप भी बहुत हसीन है दोनों माशाल्लाह। ये भाई आप बल्कि वुड कमेंड यू बची भाई आई एम कब से आपको देख रहे हैं यू आर द सेम। मेरी और शहजाद रॉय वाली क्वालिटी है आपके अंदर। छोटे हो मुझसे। घर बसाएंगे तो सोचते हैं यही शादी करेंगे या किसी गोरी से करेंगे? दो कर लेंगे। अब्बा का तो यही मशवरा है कि जो जो मैंने किया था वही तू कर। गोरी से शादी कर। अभी मैं गया हुआ था अमेरिका तो कह दिया अब्बू ने पीछे से वहीं ढूंढ ले कोई मेम। आई थिंक या मैं ट्राई कर चुका हूँ। टू बी ऑनेस्ट यू नो आई डोंट रियली थिंक अबाउट मैरिज नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव किड्स। सुकून में हूँ वसी भाई क्यों आप चाह रहे हैं? मैं फिर इतना जोवियल नहीं रहूंगा। ये जानने मैं एक और किताब लिखा। आपने यहाँ काम किया फिर बॉलीवुड जो कहलाता है वहां भी आपने काम किया, हॉलीवुड में क्यों नहीं किया अभी तक? नहीं हॉलीवुड में भी मैं करना चाहता हूँ। ब्रिटेन में ना क्या होना क्या यार टॉम क्रूज बुड्ढा हो रहा है तुसी आ जाओ। नहीं मेरी एक ख्वाहिश जरूर रही है बिकॉज ऑब्वियसली यू नो मेरी एक इंग्लिश साइड तो, तो आपको ओन करते होंगे। इंग्लिश साइड भी है मेरी और इवन एज अ चैलेंज यू नो आई थिंक आई वांट टू प्रूव टू माई सेल्फ एज वेल कि मैं कर सकता हूँ। सो इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली इनफ अर्लियर दिस ईयर मैं अमेरिका में ही था एंड कुछ मैंने ग्राउंड वर्क ले की है कि इंशाल्लाह 2024 और 2025 कुछ काम देखेंगे। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा आपको द क्राउन का हिस्सा होना चाहिए। थैंक यू। क्योंकि मेरा बचपन वहाँ गुजरा था तो मैं सोचता अब खैर मैं उर्दू में भी सोचता हूँ। हाँ। लेकिन पहले मैं सोचता भी इंग्लिश में था। तो इंग्लिश में क्या क्या सोचते थे?
इंप्लीमेंट कर देता हूं, आपके बारे में सोचता हूं, और उर्दू में प्यार मोहब्बत इश्क जुनून। अरे वाह। जितना अब तक आपने काम किया, इसमें से कौन सा काम ऐसा है जो आपको लगता है यार ये नहीं करना चाहिए था? है कुछ ऐसे काम शादियों के अलावा कह रहा हूं। नहीं, काम की बात हो रही है। इतना डर क्यों गए वैसे आप प्यार मोहब्बत? हाँ, डरा हुआ हूँ ये है। मुझे लगता है अब अगर आई थिंक बिकॉज आपको ना कोई चाहेगा तो यकीन दिलाने में बहुत वक्त लगेगा। आई थिंक ऐसा ही होगा। आई थिंक बल्कि मैं शायद चाहूंगा कि कोई ना ही करे, बिकॉज आई थिंक मैं इतना इम्पॉसिबल हो गया हूँ शायद इसमें। अच्छा, पूरी दुनिया में जो बहुत डीप जाकर काम करते हैं हमारे आर्टिस्ट, वो ऐसा तो नहीं कि शिज़ोफ्रेनिया में मुब्तला हो जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं एक एक असर जो है वो ज़रूर आता है। बिल्कुल, एक स्प्लिट पर्सनैलिटी जो है वो कहीं जन्म लेती है। बिकॉज बहुत सारी शख्सियत जब आप अपने अंदर उतार लेते हैं तो आपकी शख्सियत कहीं उसमें कहीं खो जाती है, कहीं मिक्स हो जाती है। आपको कितनी दिक्कत पेश आती है, खासतौर पे उस वक्त जब आप बहुत नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हो? ये मुझे एक सीनियर एक्टर ने एक दफ़ा कहा था कि जो आप रोल करते हैं ना उसका असर हो जाता है आप पे। तो मैं उस वक्त, तो मैं बहुत यंग था, मुझे मैं नहीं समझा ये बात, लेकिन नाउ आई नो इट्स ट्रू कि जो रोल आप करते हैं उसका असर, क्योंकि आप प्ले तो कर रहे होते हैं तो उसका असर हो जाता है। मुझे नहीं लगता इतना कोई ऐसा नहीं है कि वो हावी हो जाता है आप पे, लेकिन कहीं ना कहीं मे बी आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस चीज से, बिकॉज आप वो प्रोसेस तो कर रहे हो ना। बहुत ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर हम यू लें कि आप एक ऐसे शौहर का किरदार कर रहे हैं जो बहुत ही पुरतशद्दुद है, हाँ, तो शायद आपके लिए मतलब अक्सर यही होता है, उतनी वो अक्सर यही होता है। मैं तो लोगों को ये कहता हूँ जब, मतलब ऑब्वियसली फैंस जो है, फीमेल फैंस मिलती है, तो मैं कहता हूँ हर ड्रामे में दो बीवियां होता, दोनों को मार रहा होता हूँ मैं। अब देखिए ना, आम जिंदगी में इसका तस्वीर नहीं है। नहीं नहीं, या होगा, अगर होगा भी तो 1% होगा या 2% होगा या चलो 5% होगा। ऐसा तो नहीं है कि हर मर्द ऐसा है। तो मैं इस लाइन पे यही कहता हूँ कि ऐसा सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही होता है कि दो बीवी हैं और दोनों को मार भी रहे हैं। अच्छा, आपको पता है रिसर्च ये बताती है कि जो गोरी खवातीन है ना वो बहुत मारती है अपने शौहरों को। अच्छा, हाँ, ये नहीं आप बता। अच्छा, तो ना करो। चले, अच्छा कि वार्न कर दिया आपने। इजिप्शियंस, हाँ, इंडियंस, हाँ, और गोरी, हाँ, अच्छा जी, 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 तो मैं इनसे दूर रहूंगा। पीछे क्या रह गए? देसी। नहीं नहीं, देसी भी मारती हैं यार, क्या हो गया? तो जूता उतार के मारती है। नहीं नहीं, ये जो आपने आखिरी बात कही है, अब मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये आपने मंजर कहीं देखा है या आपका तजुर्बा है या मुशाहिदा है, क्या है? चले, समझदार के लिए इशारा क्या है? समझदार के लिए मुशाहिदा का। आपको वैसे इश्क हुआ किसी से? इश्क भी हुआ, इश्क भी हुआ या शायद वो इन्फैक्चुएशन थी। इतना फर्क आ गया यार, निकाल। असल में मैं खुद कंफ्यूज हूं बहुत। मेरे ख्याल से मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूं। एक बात की क्लैरिटी होगी, असल में कंफ्यूजन इधर है। इस इंटरव्यू से वो फराज साहब का शेर याद आ गया, तुम भी खफा हो लोग भी बरहम हैं दोस्तों, अब हो चला यकीन के बुरे हम हैं दोस्तों। हाँ, ऐसे ही शायद। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मिकाल ज़ुल्फ़िकार, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।